संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, क्योंकि भारत और भारतीयता की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी और भारत के संविधान के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। दलितों वंचितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़कर देश के विकास में अग्रणी बनाने में उनकी भूमिका सदा याद की जाएगी। उन्होंने कहा, बाबा साहब की कीर्ति दिगंत तक गूंजती रहेगी। हम सभी बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलकर इस समाज और राष्ट्र को एक करने में अपना योगदान देंगे। बाबा साहब ने शोषित वंचित और महिलाओं के लिए आजीवन संघर्ष किया और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेगी। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर महामंत्री अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा, देवेश श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, रणविजय शाही, ब्रिजेश मणि मिश्र, रमेश प्रताप गुप्ता, जितेंद्र चौधरी, जीतू, पद्मा गुप्ता, महानगर मंत्री मनोज अग्रहरी, गौरव तिवारी, अजय श्रीवास्तव, दिनेश जायसवाल, अवधेश अग्रहरी, शिवम पांडे, सत्यार्थ मिश्रा, श्वेता श्रीवास्तव, अनुराग मजवार, कृष्ण कुमार सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएगा तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा पीछे हो कि आज डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह के साथ यहाँ आए हैं। सभी लोगों ने माल्यार्पण किया है। यह भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही सही अर्थों में राजनैतिक मुकाम अगर डॉक्टर अंबेडकर का देने का काम किया तो किया है। उनके पंचतीर्थों को पूरी तौर पर तीर्थस्थल बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको करने का काम किया है। केवल भारतीय अन्य लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम को राजनीति में भुनाना चाहते हैं, वोट में भुनाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को, उनके कार्यों को पूरी तौर पर एक सही मुकाम देने का काम किया है। मैं आज उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान के निर्माण का कार्य उन्होंने किया, जो सैद्धांतिक रूप से कार्य किया, उसकी सराहना करते हुए भारत को सशक्त बनाने का काम जो उन्होंने किया है वह पूरी तौर पर अमरता को प्राप्त करें।